सीरियल उडारियां का आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। आप सभी को बताते चले कि जहां पर घर के अंदर सेलिब्रेशन का माहौल है, सभी लोग संगीत का लुफ्त उठा रहे हैं, तो वहीं जो फतेह की फुआ है वो इस बात से नाराज हो जाती है कि उसने जो झुमके दिए थे वो झुमके जैस्मिन ने नहीं पहने। वो रोने लगती हैं और फिर जाकर फतेह की माँ से कहने लगती है कि ये लड़की एक दिन पूरे घर को बर्बाद कर देगी। इसके बाद बोलती है कि मैं तो जा रही हूँ अपने घर, लेकिन फतेह की माँ उन्हें रोकती है और जैस्मिन को बुलाकर माफ़ी मांगने के लिए कहती है। जैस्मिन कहती है कि मैं झुमके अपने साथ लाई हूँ, लेकिन ये मेरे ड्रेस के साथ मैच नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने नहीं पहने। बात को किसी तरीके से फतेह की माँ संभालती हैं। आपको बताते चले कि इसके बाद बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन होता है, लेकिन तेज और डांस करते करते पुरानी यादों में खो जाती है जब उसके साथ जस ने गलत किया, उसकी शादी की और उससे छोड़कर भाग गया। वो सब उसे याद आने लगता है, वो रोने लगती है और छत पर चली जाती है, लेकिन पीछे से फतेह आता है, उसे चीयर अप करता और कहता है कि आपको तो आज़ादी मिल गई, आप तो कनाडा कभी नहीं जाना चाहती थी, आप अब अपने उड़ान को भर सकती हैं, आप कुछ भी कर सकती हैं। फिर तेजो चिल होती है और फिर छत पे ही और फतेह दोनों हंसने लगते हैं, लेकिन नीचे से मौसी उन्हें देखती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि फतेह जो है वो तेजो को किस कर रहा है। और वेल, तब तक फुफा जी भी ये देख लेते हैं, क्योंकि पीछे से देखने से ऐसा ही लग रहा था। वेल, इसके बाद आपको बताते चले कि सब कुछ सही से हो ही रहा था कि फतेह जब अपने रूम में जाता है तो उसे एक फोन आता है और फोन पर उसे जानकारी मिलती है उसकी जॉब चली गई है। उसकी जॉब नहीं हो सकती क्योंकि वो कंपनी सचमुच दिवालिया हो चुकी है। फतेह कांपने लगता है, वो बैठ जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। उसे जैस्मिन की बात याद आने लगती है। जैस्मिन ने कहा था कि अगर कुछ भी ऐसा होगा तो तुम सबसे पहले मुझे बताओगे। देखना दिलचस्प होता है कि अब फतेह क्या करता है, क्या फतेह जैस्मिन को यह जानकारी देता है। वेल, जो भी होगा बहुत ही मजेदार होने वाला है। आप कितने इंटरेस्टेड हैं हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं।